माँ बहन नहीं है क्या पीपल से इट्स सेक्सिस्ट बट आई थिंक कि जिसने भी ये इस चीज का इन्वेंशन किया होगा उसने ये सोचा होगा कि शायद ये बात बोल के आदमियों में एंपैथी आ जाए कि ओ मेरी बहन के साथ मेरी बेटी के साथ मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा होता होगा मैं एक बारी एफटी आया जा रही थी सो आई टूक द वोल्वो बसेस देयर इज अ बिग मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई डोजड ऑफ एंड आई थिंक ही डिड समथिंग आप क्या कर रहे हो वगैरह लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ होगा नहीं पर अगर जैसे आप थोड़ा सा भी हल्ला कर दो उनकी फट जाती है और उनकी फटनी भी चाहिए तो आई रिमेम्बर कोई एक आई थी कोई लेडी relative Mind, क्योंकि तब पे सारे जाते, वो सी पोत के औरतों को अच्छा, शादी नहीं हो रही क्या ये क्या लॉजिक हुआ कि मेकअप आर्टिस्ट औरत नहीं हो सकते क्योंकि वो हीरोइन के मुँह के पास आएगी या हीरो के मुंह के पास आएगी तो हीरो को आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए आप बोल रहे फीमेल मेकअप आर्टिस्ट नहीं चाहिए हीरो पे लगाम लगाओ ना प्लीज हाय रिचा वेलकम टू द मेल फैमिलीज़ हैव यू गटेन टाइड ऑफ़ द क्वेश्चन हाउ इज़ मैरिड लाइफ नो इट्स एक्चुअली नॉट वेरी डिफरेंट क्योंकि वी वर ऑल ऑलरेडी लिविंग टुगेदर तो कितना इग्नैलिटेरियन लव होता है घर पे चोर्स को लेके या चीज़ों को लेके या डिसीज़न्स को लेके आई थ जहाँ हम दोनों नए घर में शिफ्ट हुए तो दोनों ही आपने फिगर आउट किया कि मतलब आपको घर के काम कैसे डिवाइड होंगे कौन 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 क्या करता है ऐसा कुछ है आपके डिवाइडेड आई थिंक हम लोग सब सब कुछ करते हैं जो घर पे होता है उस वक्त जैसे अभी जो घर में कुछ जैसे वाटर प्रूफिंग का काम था अली वॉज नॉट हियर

बट फॉर माई मॉम माई चाची मुझे पता था कि घर पे कोई आ रहा है तो उन लोगों का काम बढ़ेगा तो ये बहुत क्लियर बात थी कि घर में कोई आ रहा है या खाना बनाना या घर जो है वो एक लेडीज का डोमेन हो जाता था बट आई थिंक अब हमारी जनरेशन में हमने चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं नॉट टू से आई डैड और चाचा पिटरी अकल पर से पर उनकी एक ऐसे डिफॉल्ट सेटिंग से ही है कि घर घर में आए तो कोई पूछेगा पानी और ये मतलब उस साइड yes, yes, तो हाँ देर नॉट ईवल पीपल बट वो उसी तरह से और अब अगर मैं उनको करेक्ट करती रहती हूँ तो वो लोग सुनते हैं ये Achari. बहुत अच्छी बात है वेरी कूल बट एनी पॉइंट इन विच यूट कि ये ये कुछ गलत करती थी आप या ये क्योंकि पेट्रियाल कंडीशनिंग थी इस वजह से करती आती थी अब आप ऑफ कोर्स यार आई रिमेंबर आई से आई वाज लाइक 7 समथिंग तो सोनाली बिंद्री का एक ऐड आया था गोरी गोरी तो आई रिमेंबर कोई एक आई थी कोई लेडी रिलेटिव उसने आई हाय हाय रंग तो निकाल गया इसका पूरा काली हो गई है उस टाइप का कुछ बोल के ना चली गई इन द समर कोर्स माई पेरेंट्स मेक अ डील ऑफ़ इट इट बट इन माई माइंड क्योंकि तब टीवी पे सारे एड जाते वो कालिक सी पोत के औरतों को प्रेजेंट करते थे कि अच्छा ये इसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि इसके मुंह पे कालिक है आई मीन आई थिंक अगर हम हॉलीवुड को ब्लैक फेस के लिए ब्लेम करते हैं and then i hid it in the bathroom thinking ki when my mom and dad are busy i'll put it and then i'll be fair and then perhaps this aunty won't talk about me in this manner but obviously i was so short and i hid it up thinking ki kisi ki nazar nahi jayegi but my parents must have looked down and found and they were like ye kya kar raha hai who told you what happened and they were really shocked by it and then they were like na puttar na to khe to ye batao ki meri jo wife hai

वो मेरी बहन के साथ मेरी बेटी के साथ मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा होता होगा यू यू हैड हैड इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स ऑफ कोर्स एवरीवन आई थिंक जब मैं यहां बॉम्बे में पोस्ट ग्रेज कर रही थी मैं एक एक बारी एफटीआई जा रही थी सो आई द द यू नो बसेस देयर इज अ बिग मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी उस टाइम पे मुझे मराठी इतनी आती नहीं थी एंड आई डोज ऑफ एंड आई थिंक ही डिड समथिंग आई इंस्टेंटली अप और मैंने उसी टाइम शोर कर दिया वो आदमी मुझसे भी ज़्यादा जोर से चिल्लाने लग गया पर मराठी में उस टाइम पे मुझे इतनी समझती नहीं थी एंड आई वो स्टिल स्टूडेंट्स चाहते थे यू नो वट हेल आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हो वगैरह एंड ही गॉट अप एंड ही लाइक मैंने कुछ नहीं किया इन हिज लैंग्वेज बट उसकी शक्ल पे नजर आ गई थी गिल्ट और क्योंकि मैंने तुरंत बहुत जोर से हल्ला कर दिया सब ने उसको अलग बिठा दिया एंड देन ही वॉज काइंड ऑफ शेम्ड फॉर हिज बिहेवियर एंड आई थिंक दैट्स वट इट इज

Talking about their characters, you can't really play a sports person and look obese. Yeah. So वो एक factual बात है But हाँ बहुत सारे बिल्कुल भद्दे टकले मोटे budhe बिना दांत वाले गंदी baas वाले लोग आपको हो सकता है बोले कि अरे तुम ना तुमने वो heroine वाली बात नहीं है आपको अब वो सबको बोलते हैं उनका काम ही यही है फर्स्ट टू ब्रेक डाउन योर मुराल and बी लाइक like,

You know, dealing with your own share of insecurities about growing up, about womanhood, or you have confused confuse karde, But I think that's also a rite of passage. You learn over time to say no. I've also done some shoots I wasn't uh, exactly comfortable with, where I felt like, okay, shy, this is the need of the job. But thankfully, those uh, films tanked, and <laughs> none of those people have a career now.

हाँ, but otherwise, उनका first में जाते हैं, हर चीज तो 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 वो है तो है ही। Are you not irritated at that? अगर कोई जाहिल है, तो तुम क्या कर लोगे? आप उनको क्या क्या बोलोगे? बोलोगे मुझे भी दो। क्या बोलोगे आप? आप अपनी बात ही रख सकते हो ताकि उनको समझ में आए कि आप भी समझदार हो. Hmm. Fair enough. तो ये बताओ फिर uh, moving from camera के आगे तो पीछे। हम लोग ये बात कर रहे थे नहीं है, train, about, we to for, uh, girls, बहुत ही कम या नहीं है वी अ so

किसी ने एलिगेशन किया था एक एडी ने और उसने एकदम से शोर मचा दिया था कि इसने मुझे हाथ लगाया है एंड ही कैप क्राइंग कि मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया फिर मैंने उस लड़की से बात की कोर्स वी फायर्ड हिम इमीडिएटली बट द वे एक्सेल डेल्ट विद इट वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ही

की है। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं who have told me कि आपकी जो लड़कियां, जो ट्रेन होके आई हैं उनको हम अपने सेट पे यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या ये क्या लॉजिक होगा कि मेकअप आर्टिस्ट औरत नहीं हो सकती क्योंकि वो हीरोइन के मुंह के पास आएगी

Do you want to be that guy who is not confident enough to secure consent from Hosho Havas Wali Ladki? Do you want to be that guy who he needs to rely on his power and money to get uh, to force himself on someone? Whether now or after 50 years, it will end badly. Here we have some standard questions that we do on the male feminist. Yes. Things that men should stop telling women. Any question which has obvious answer, hai, let people arrive at that instead of saying, हमें तो जो फर्क पड़ रहा है वो ही पड़ रहा है बट आदमियों को भी बेचारे बहुत परेशान बताया गया होगा बचपन से आपको की पैसा कमाना है तो अच्छी शादी होगी पैसा नहीं कमाओगे तो बीवी बच्चे को क्या खिलाओगे ब्रेड mm. विनर का प्रेशर है आप लोगों पे आप टेंडर डेट पे जाओगे अगर तो बिल पे करने का आप पे प्रेशर है द बिगेस्ट डिसम पेट्रिया ऑल्सो है So देखिए आप लोग जो भी वर्ड्स आप कमेंट्स में बरसा सकते हैं वो बरसाइएगा बट <laughs> आप लोग सब्सक्राइब कीजिएफ्लाई को और कॉमेंट्स में बताइए क्या सीखने को मिला